हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोर्चुलाका या मॉस रोज में हैवी फ्लावरिंग पाने के लिए ऐसी खाद जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का। अगर आप इन खाद को अपने पोर्चुलाका मॉस रोज 9 o'clock या 9 बजिया टेबल रोज़, काफ़ी सारे नाम हैं और ये परमानेंट और हाइब्रिड दोनों आप पाए जाते हैं। ये वाला जो पौधा देख रहे हैं ये परमानेंट है, मर्जेंटा और वाइट कलर के पौधे आते हैं। एक बार लगा ले, छोटी सी कटिंग से आप पूरा गार्डन भर सकते हैं। कटिंग लगाना भी दिखाऊंगी। आज मैंने इसका एक DIY वर्टिकल प्लांटर में इसकी कटिंग्स भी लगाई हैं। और देखिए, ये वाला कलर जो देख रहे हैं ये पॉलिनेशन से मेरे गार्डन में अपना आप ही हुआ है। मजेंटा और वाइट कलर के फ्लावर्स एक साथ लगाए थे तो मुझे ये वाला कलर मिला है। ये शेडेड सा है लेकिन बहुत ही बेहतरीन फूल है। और आप देखिए कितना बुशी बना हुआ है। आपका प्लांट जितना बुशी होगा ना, उसमें उतनी अच्छी और हैवी फ्लावरिंग होगी। तो स्टार्टिंग के तो कुछ महीने मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग कर देती हूँ, जिससे देखिए कितना बुशी बन चुका है। इनका ही मैं वीडियो शेयर करूँगी जो मैंने मार्च में इनकी जो केयर की थी, खाद दी थी, उस समय इन प्लांट्स की क्या कंडीशन थी। और आप देखिए ये कितना बुशी बन चुके हैं। और जैसी बारिश शुरू होगी ना, उन सब में बहुत ही अच्छी और हैवी फ्लावरिंग होगी। इतने फूल खिलेंगे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो सबसे पहले हम खाद बनाते हैं। यहाँ मैंने 3 जगह 1-1 लीटर पानी ले लिया है। पहले कंटेनर में मैं भिगा रही हूँ केले के छिलके। ये 2 केले के छिलके हैं देखिए। और हम सभी जानते हैं केला बहुत ही अच्छा पोटेशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम का सोर्स है। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक सॉल्यूशन हमारे पौधों को बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैं भिगा रही हूँ प्याज के छिलके। प्याज के छिलके का जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ना, वो लिक्विड NPK है। उसके साथ साथ इसमें सल्फ़र भी होती है, पोटेशियम भी होता है, मतलब मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच। इसके साथ साथ सल्फ़र की वजह से ये बहुत ही अच्छा पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। छोटे मोटे कीड़े दूर भाग जाते हैं, मिली बग्स वगैरह। तो इसे आप ज़रूर अपने पौधों में दें। जितने भी छिलके वगैरह हैं उन्हें वेस्ट समझ के फेंके ना। और अगला ये देखिए, ये है एलोवेरा। एलोवेरा ठंडा भी होता है। तो ये जो मैं खाद बना रही हूँ ये गर्मी में भी आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप एक साथ दें तो ज़्यादा बेटर हो, चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हैं। मैं तीनों को इकट्ठे दूंगी तो उससे क्या होगा, कोई भी एक मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट छूटेगा नहीं। अब इनको मैंने भिगा दिया है। भिगाने के बाद क्या करना है आपको, मैक्सिमम 3 डेज़। वैसे आप सुबह, मैं सुबह भिगाती हूँ, शाम को इनका पानी दे देती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। एक दिन में तैयार हो जाती है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो सुबह लगभग 7 बजे करीब मैंने भिगाया था इन्हें और अभी बज रहे हैं शाम के 6, लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। और देखिए कितना अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है। अब इन्हें मैं छान लूँगी। छान के आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी दे सकते हैं। अब देखिए जो मैंने प्याज के छिलकों को छाना है तो इसका जो फर्टिलाइज़र है ये देखिए पिंक रेड कलर का बन के तैयार हुआ है। और प्याज में क्योंकि लहसुन के छिलके भी मिले थे तो मैंने निकाला नहीं, दोनों को एक साथ ही भिगा दिया। अब ये देखिए एलोवेरा का जब मैं छानूंगी तो ये ग्रीन कलर का एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा। उसी के साथ साथ बनाना पील फर्टिलाइज़र भी थोड़ा सा ब्लैकिश सा बनता है। तो अब चाहें तो इन तीनों लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अलग अलग भी बना के अलग अलग दे सकते हैं, या इस तरह से देखिए मैं इकट्ठा मिक्स कर ले रही हूँ। तो एक परफेक्ट मतलब सॉल्यूशन बन जा रहा है, कोई भी हमारा माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट छूटेगा नहीं। इन तीनों सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स करके मैं अपने सभी पोर्चुलाका के पौधों को और जितने भी समर फ्लावरिंग प्लांट है ना उनको भी दूंगी। अब मैंने इन्हें छान लिया है। छानने के बाद देखिए ये लगभग 3 लीटर बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं डाइल्यूट करूंगी तो लगभग ये 20 से 25 लीटर पानी इसमें, मतलब 10 गुना ही मैं मिलाती हूँ स्पेशली इस गर्मी में। तो अब ये जो 30 लीटर मेरा पानी बन के तैयार होगा मैं ईज़िली पूरे गार्डन में अपने सब पौधों को दे सकती हूँ। तो ऐसे आप 15 दिन में दीजिए, बहुत डाइल्यूट करके ही दीजिए क्योंकि इस समय नॉर्थ इंडिया में सिर्फ गर्मी नहीं है, लू भी है। और जो लू का प्रकोप है,
जब वो गर्म हवाएं चलती हैं वो शाम तक गर्म हवाएं चलती रहती हैं, इसीलिए बहुत ही डाइल्यूट करके दें इस फर्टिलाइज़र को। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये लगभग 3 लीटर बन के तैयार हुआ है मेरा, तो मैं ये करूँगी, ये 10 लीटर की बाल्टी है उसमें ये 1-1 लीटर करीब मिक्स करूँगी। तो देखिए आप इसका कलर देखिए, इससे समझ रहे हैं ना, इतना ही डाइल्यूट करके दीजिएगा स्पेशली गर्मी में। अब मैं धीरे धीरे करके अपने सभी पौधों में ये फर्टिलाइज़र दूंगी, जितने समर फ्लावरिंग प्लांट हैं, अगर सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह लगाए हैं उनमें भी आप इजीली इन खाद को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये ऑर्गेनिक एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। और आज मैंने एक वर्टिकल प्लांटर भी बनाया है, उसके लिए एक वेलड्रिन पॉटिंग सॉइल मिक्सचर ले ली है, सैंड एक भाग और गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिला के, ये देखिए ये वर्टिकल प्लांटर में फिल कर दे रही हूँ मैं। ये वर्टिकल प्लांटर एक्चुअली मैंने जाड़ों में बनाया था, जाड़ों में मैंने इसमें लगाया था आइस प्लांट, तो जो आइस प्लांट अब ख़राब हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें ये अपने पौचुला का लगा दूँगी कटिंग से। तो बहुत ही ईजिली छोटी से छोटी कटिंग पौचुला की लग जाती है। अभी स्टार्टिंग में आपने देखा था पौचुला का कितना घना हो जाता है, तो बाद में कंपोस्ट देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए एक बार में मैंने फैब में भी अच्छे से कंपोस्ट दे दिया था, तो इसमें भी मैं कंपोस्ट रिच सॉइल फिल करके इसमें पानी दे दे रही हूँ, पानी को ड्रेन आउट होने दूंगी, फिर इसमें लगाऊंगी पौचुला का की कटिंग। तो देखिए ये छोटी छोटी कटिंग ले ली हैं, कटिंग में भी इनका वही ध्यान रखना है, ये जो नोड वाला हिस्सा है, ये जो जहाँ से पत्तियाँ निकल रही है ना, उनको आपको सॉइल के अंदर डाल दिया, छोटी सी सिर्फ एक कटिंग आप ले आइए उसको ही आप लगा दीजिए, इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है पौचुला का। और इस तरह से मैं सॉइल में से लगा दूंगी, सॉइल में मैंने होल बना लिया है पहले, अब एक एक करके देखिए सारी कटिंग्स मैं इस तरह से इसमें लगाती जाऊंगी। और मेरे पास जो 4-5 तरह की कटिंग्स हैं ना, उनको मैं कोशिश कर रही हूँ अलग अलग प्लांटर्स में लगा रही हूँ। पौचुला का मैं एक ही बार बाई करती हूँ, उसके सीड्स पे कलेक्ट करके रखती हूँ, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो हाइब्रिड है उसके सीड्स कलेक्ट करके रख लीजिए, और ये जो देसी हैं वो तो परमानेंट ही हैं, हमेशा आपके पास बने रहेंगे। और इतनी एक छोटी सी कटिंग आप उस कहीं से ले आएँ और उसके बाद पूरा गार्डन भर सकते हैं। और पौचुला के की कटिंग, क्योंकि पौचुला का सकलेंट्स फैमिली से है, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं आप देखेंगे थोड़ी फ्लैशी होती हैं, पानी स्टोर करके रखती हैं, तो आप इसकी कटिंग ला के अगर घर में 2-3 दिन बाद रख दें और उसके बाद लगाएं तब भी इजीली लग जाती है, ख़राब नहीं होती हैं जल्दी इसकी कटिंग। इसकी कटिंग अगर ख़राब होगी तो ओवर वाटरिंग की वजह से, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छी सैंडी सॉइल में लगाइए। और क्योंकि बारिश के टाइम पर इसमें हैवी फ्लावरिंग होती है ना, तो इस कंडीशन के लिए और ज़रूरी है कि इसकी सॉइल पूरी तरह से सैंडी बनाएँ। तो मेरा ये वर्टिकल प्लांटर बन के तैयार हो चुका है, अब बस इंतज़ार है जब इसमें फूल खिलेगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी पौचुला का की और क्या केयर करनी है वो भी टाइम टू टाइम आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी।